तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्रम लूप है जिसकी पीक विदाउट एनी प्रोसेसिंग -0.3 आ रही है। तो सैचुरेशन ईक्यू और सबके लिए हमें हेडरूम चाहिए होगा, तो लेट्स टर्न डाउन द फेडर और एक बार विद सैचुरेशन एंड ईक्यू प्ले करके देखते हैं कि यहाँ पे मीटर्स में क्या शो कर रहा है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे तो -8 -10 के आसपास अपना लेवल आ गया, बट एक बार एक ट्रू पीक मीटर डालते हैं फिर उसके बाद लेवल चेक करते हैं। तो एज यू कैन सी ट्रू पीक मीटर्स में अभी भी क्लिप कर रहा है। तो एक बार मैं एक गेन प्लग इन डालता हूँ और जो फेडर है उसको वापस से यूनिटी पे ले आता हूँ। तो जैसे कि तुमने देखा वॉल्यूम फेडर जो मिक्सर में दिए होते हैं उससे कभी भी गेन स्टेज नहीं करना चाहिए, बैलेंस करने के लिए ठीक है वो, बट जब हेडरूम बनाते हैं हम अपने मिक्स के लिए तो हमेशा एक गेन प्लगइन डाल के बनाते हैं जिससे कि प्रोसेसिंग के बाद हमारा ट्रैक क्लिप ना करे।